आपके अपने YouTube चैनल अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, तो मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगी। तो ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज। बर्ड ऑफ पैराडाइज के कई प्रकार होते हैं, ये कई प्रजाति के होते हैं, तो इसे लेकिन हम लोग बर्ड ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, लेकिन साधारणतः इसे गोल्डन टॉर्च के नाम से भी जानते हैं, जिसके देखिए ये नुकीला जो पार्ट है चमकीले पंछियों जैसा मिलता जुलता है और पत्ते इसके गहरे हरे रंग के लंबे होते हैं। बहुत ही अनोखा इसका फ्लावर्स है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है। इसका रंग रूप बहुत ही सुंदर है। मैंने एक पिछले वीडियो में फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज के फ्लावर से आप लोगों को मिलवाया था। मेरे गार्डन में ये दो तरह के बर्ड ऑफ पैराडाइज के प्रकार हैं। तो देखिए इसकी फ्लावरिंग देखिए, और कुछ अभी ड्राई हो गए हैं, देखिए इस तरह ड्राई हो जाने पर इस तरह के लगते हैं। और ये है फ्लावर, ये भीतर का पार्ट है इसके फ्लावर, और ऊपर का ये मोटा वाला पार्ट है, ये है इसका कवर। तो इस तरह के बर्ड ऑफ पैराडाइज, यानी इसे हम गोल्डन टॉर्च भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज का मैंने पौधा दिखाया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगी, जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो दोनों के पौधे पत्ते वगैरह दोनों ही समान होते, सब कुछ समान होते हैं। पौधे देखिए, नीचे का पोर्शन सब कुछ समान होता है, बस फूल दोनों के अलग है। कई सारे प्रजाति में आते हैं, तो जैसा कहा मेरे पास बस दो ही इसके प्रकार है। इसका भी देखभाल उसी तरह से करना पड़ता है जिस तरह से बर्ड ऑफ पैराडाइज का। फिर एक बार कह देती हूँ, इसकी पॉटिंग मिक्स जैसी होती है, मैं जिस तरह से तैयार करती हूँ, 50% सॉयल, 30% सैंड, 20% खाद लेती हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे उखाड़ के लाई हूँ, एक आप लोगों के साथ मैं लगाऊंगी, शेयर करूँगी। नीचे का पार्ट मैं दिखा रही हूँ इसका, देखिए अदरक के जैसा होता है इसका नीचे का पार्ट। और इसके चारों ओर से शूट निकल आई है, बेबी प्लांट निकल आ रहे हैं, कई सारे बेबी प्लांट। एक भी अगर आप लगाएंगे इसके अदरक, तो आपको इधर से नए नए प्लांट नजर आएंगे। इस तरह से आप एक अदरक का टुकड़ा जरूर लगाइएगा। और बहुत फ्लावर होती है इसमें, और बगल से चूंकि ये प्लांट इतने निकल आते हैं, तो आपको गर्मी का जो मौसम है समर के में, लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स इसमें मिल जाते हैं। ऐसे तो ये फ्लावर्स बहुत दिन तक पौधे में रहते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर है। तो इस तरह से देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ इस तरह से। इसमें चूंकि रूट है नीचे अभी भी, तो ये मेरे बच जाएंगे, तो जिसको मैंने तोड़ा। तो इस तरह से पॉटिंग मिक्स जैसा मैंने बताया, उस तरह से पॉटिंग मिक्स तैयार करनी होती है। और खाद के लिए मैं ऐसा कहना चाहूँगी, जो केमिकल ना हो तो वही अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, या आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं। इस तरह से गुड़ाई करके और आप अदरक को एक लगा दें, तो अगले साल तक आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मैं गुड़ाई करके फिर मैं नेक्स्ट आपको कुछ दूसरा पौधा भी दिखाऊंगी। प्लीज़ बने रहिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए केंचुए भी निकल आए हैं, कितने बड़े बड़े केंचुए हैं। तो इस तरह से गुड़ाई करके, ये तो बहुत ही साधारण, इस तरह से सभी हम लोग पौधे लगाते हैं। तो इस तरह से, और बगल में जो मेरे पौधे देख रहे हैं वो दिख रहा है, वो सारे हैं, वो है फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिसका पौधा मैंने पहले भी दिखाया था। तो इस तरह से लगाने के बाद देखिए शूट जो निकल आई है, यानी बेबी प्लांट जो निकल आया है, उस पार्ट को मैं ऊपर ही छोड़ दूंगी, क्योंकि वहीं से एक और प्लांट भी मुझे मिल जाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद, और अभी मैं पानी नहीं दूंगी, बहुत सारे केंचुए हैं, अभी मैं पानी नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी मेरी बहुत मॉइस्ट है, मैं शाम के समय पानी दूंगी। तो इस तरह से मेरे सारे के सारे लग गए, कुछ और बाकी है, लगा देती हूँ, फिर मैं अलग एक चीज़ दिखाऊंगी, जो मैंने आप लोगों से वादा किया था लास्ट वीडियो में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये भी मैं लगा रही हूँ, इस तरह से लगाइएगा। तो बर्ड ऑफ पैराडाइज जैसा कि कह रहे थे, इसके बहुत सारे लेकिन प्रकार होते हैं। ऑरेंज कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, वाइट में भी आता है मैंने देखा है। तो मेरे पास तो यही रेड और येलो का है, जो फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज जिसे कह रहे हैं, हेलिकोनिया भी कहते हैं उसे, और इसे गोल्डन टॉर्च कहते हैं। ये तो आपने देखा, येलो कहे, ऑरेंजेस कुछ कहे, इस तरह के कलर इसके आते हैं। देखिए ये रूट, देखिए बहुत ही मजबूत है इसके रूट। और इसको लेकिन धूप में लगाइएगा,
जहाँ धूप आती है, इस प्लांट के लिए धूप लेकिन बहुत ज़रूरत है, भरपूर धूप बहुत पसंद करता है, तभी इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी से होगी। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स लग गए। देखिए सारे को मैंने लगा दिया। सारे लग गए। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे फॉल्स ऑफ पैराडाइज, फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज, जो अभी पूरी तरह से खिल गए हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो देखिए खिल जाने के बाद ये पूरी तरह से इसके पंखुड़ियाँ खुल जाती है। देखिए खुल गई है, अभी तो चींटी लगी हुई है। मैं इसमें सर पर घोल दे दूंगी तो फिर ये निकल जाएंगे। ऐसा ही मैं करती रहती हूँ, बहुत चींटियाँ लग जाती है क्योंकि मॉइस्ट जगह है तो चींटियाँ भी आ जाती हैं, तो बहुत चींटी है। मैं सर का घोल बना के इसमें दे दूँगी, लिक्विड सोप में तो दे दूँगी। तो इस तरह से ये देखिए फ्लावरिंग इसमें अभी तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये भीतर वाला पार्ट है इसका फ्लावर, और ऊपर वाला रेड कलर है ये इसका कवर है। गोल्डन टॉर्च मैंने जिसको लगाया उसमें भी वही उसका भी वही है, भीतर का पार्ट है उसका फ्लावर, वो तो एक ही कलर में आता है, और इसका चूँकि दो कलर है तो इस तरह से इसके फ्लावर आए, मेरे खिल गए पूरी तरह से। तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, बहुत दिन तक ये फूल टिकता भी है और बहुत सुंदर लगता भी है। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो मैंने आज दिखा दिया, मेरे पूरे खिल गए हैं। तो फिर अगले वीडियो में मैं ज़रूर मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ, फ्लावरिंग वीडियो के साथ। तो फिर आप लोग स्वस्थ रहें।